गुड मॉर्निंग, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आपको पता है यदि आपने मेरे को पीछे से फॉलो किया है तो अभी मैंने उत्तराखंड और हिमाचल की थोड़ी सी यात्रा की है। पूरा तो नहीं घूम पाया लेकिन थोड़ी सी यात्रा की है और उसमें तकरीबन ये समझे कि 40 दिन का मेरा ये सफ़र था, जिसमें उत्तराखंड मैंने शुरुआत की थी देहरादून से। और ये पूरे वीडियो आपको चैनल पे हैं, आप देखेंगे तो आपको उसका आइडिया होगा कैसे कैसे घुमा और कहाँ कहाँ गया मैं। देहरादून से ऋषिकेश होते हुए पूरा जो है हेमकुंड साहब तक का यात्रा उसमें है, और उसके बाद बद्रीनाथ भी मैं गया और 3 दिन में बद्रीनाथ भी रुका और आगे लास्ट विलेज है माना, वहाँ पर वहाँ तक मैं गया और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सब मैंने एक्सप्लोर की और उसका वीडियो भी मैंने आपको दिया है, तो आई होप आपने देखा होगा। और उसके बाद में मैं आगे फिर हिमाचल में एंट्री मैंने किया उत्तराखंड के बाद में। तो ये समझे कि उत्तराखंड मैंने तकरीबन 1 महीना किया और हिमाचल तकरीबन 10 दिन किया, तो पूरा ये 40 दिन का मेरा सफ़र था जो शुरुआत थी कहीं ना कहीं इस जर्नी की, इस ट्रेवल हिस्ट्री की, क्योंकि मैं हिस्ट्री बना रहा हूँ यूट्यूब पे, उसको डाल रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है और एक मतलब रिकॉर्ड में है तो वो हिस्ट्री बनती जा रही है। पहले भी मैं घुमा हूँ, ऐसा नहीं है, हिमाचल भी मैं गया हूँ, उत्तराखंड भी मैं गया हूँ और भी बहुत सारी जगह घुमा हूँ, लेकिन क्योंकि उसका कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है, क्योंकि मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। तो यहाँ ये हम जो नई जर्नी मैंने शुरू की है उसी का ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को पता है राजस्थान से हूँ और यदि हम राजस्थान में शुरुआत करें तो जयपुर सबसे पहले आता है, क्योंकि जयपुर यहाँ की राजधानी है। और मैं ये सफ़र शुरू कर रहा हूँ नया वाला यहाँ राजस्थान एक्सप्लोर करने के लिए और आपको दिखाने के लिए, क्योंकि यह जहाँ हम रहते हैं उसको हम कभी भी पूरा नहीं देखते हैं, ऐसा देखने में सुनने में आता है, क्योंकि यदि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान को हमें देखना है और आप लोगों को भी दिखाना है। और मेरा एम जो है, टारगेट जो है, वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को, जो ट्रेवल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना, टूरिज्म को प्रमोट करना, ये मेरा मेन मकसद है, एम है, जिससे बहुत सारे इस इंडस्ट्री में काम करने वाले साथी का मैं कुछ न कुछ इस इंडस्ट्री को प्रमोट करके भला कर पाऊँ, ये मेरी एक सोच है। और साथ में यूट्यूब के द्वारा आप तक ये वीडियो पहुँचा कर आप तक ये जानकारी पहुँचा पाऊँ कि कहाँ आप घूम सकते हैं और कैसे घूम सकते हैं, और लो बजट में ट्रेवलिंग जो है वो मेरा एक पिछला जो मैंने 40 दिन का जो टूर किया है उत्तराखंड और हिमाचल का, उसमें मैंने तीन वीडियो आपको दिए हैं 10 दिन के, 1 महीने का पूरा मैंने हिसाब किताब उसमें आपके सामने रखा है कि कैसे हम लो बजट में घूम सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अब इस नई सीरीज में जो आप अभी आगे शुरू मैं कर रहा हूँ, राजस्थान को घूमना है, भारत यात्रा के ही एक पार्ट राजस्थान हमें घूमना है, और राजस्थान में मैं कोशिश करूँगा, यहाँ के 33 जिले हैं राजस्थान में और उसमें तकरीबन 250 के करीब, 250 से थोड़ी कम तहसील हैं, यानी मेन जो टाउन है, बड़े बड़े टाउन हैं वो यहाँ पर हैं, और इसकी विलेज जो है, इसके गांव जो है, उसकी लाइफस्टाइल, और यहाँ आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, ये मैं कोशिश करूँगा आगे आने वाली सीरीज में आपको दिखा पाऊँ और मैं भी खुद देख पाऊँ, इसको इन्जॉय कर पाऊँ और आप भी होप इसको इन्जॉय कर पाएँ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर दें, जिससे वहां पर जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका आनंद उठा पाएं। और साथ में यहां पर यदि आप इंस्टाग्राम पे मेरे साथ जुड़ते हैं तो लाइव अपडेट भी आपको मिल सकती है। तो ये नीचे जो मेरा इंस्टाग्राम का आ रहा है, इस नाम से पिंक सिटी ट्रेवलर के नाम से आप सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं और लाइव अपडेट आपको मिलती रहेगी। और
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छे लगते हैं। यदि अच्छे लगते हैं तो उनको लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके और पूरा आनंद लें। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये पूरा वीडियो देखा। अगले वीडियो में आपसे फिर हम मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।